ये क्वेश्चन तो बहुत कॉमन होता है बच्चों का कि वो पूरे साल नीट की तैयारी कर रहे थे और उन्होंने शायद प्लान बी लेकर वो नहीं चले थे, और अगर वो प्लान बी लेकर नहीं चले हैं तो बहुत बार उनका सिलेक्शन नहीं होता है, तो नहीं होता है। एग्जैक्टली, मैं इसके लिए मैं एक आसान सा टिप आपको देती हूँ। इस साल तो बेटा सारा चीज थोड़ा सा, बहुत बच्चे डिप्रेशन में आ गए क्योंकि नीट का अभी भी फॉर्म निकला नहीं है, 1 अगस्त को एग्जाम होने वाला था, उसका डाइसी है। देखो, अगर आप सोच रहे हो कि एक साल ड्रॉप देके आपको नीट क्लियर करना है, तो आपके अंदर वो जोश होना पड़ेगा कि ये एक साल में 10-12 घंटे तो मेरे को लगाना ही है डेली, ठीक है। अगर आप में वो ग्रिट है, वो जोश है, तो ड्रॉप दो। अगर वो जोश आपको लग रहा है कहीं ना कहीं ठंडा पड़ जाएगा, क्योंकि गैप ईयर अगर आप ले रहे हो तो कोई टीचर नहीं होगा आपको बोलने के लिए, पर अगर आप कोचिंग ले रहे हो या कुछ कर रहे हो आपके कंसेप्ट डेवलप करने के लिए, या 12th में पढ़ने का इतना मौका नहीं मिला, तब तो गैप ईयर सेंस बनता है कि आप कोचिंग कर रहे हो या तैयारी कर रहे हो नीट के लिए, गुड। पर अगर आपका नीट का तैयारी सही से नहीं हो रहा, वेरी फ्रेंकली ये एक बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है जहाँ लाखों बच्चे देते हैं और सीट्स जो हमारी है वो बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है, ठीक है। और प्राइवेट में मेडिकल करना बहुत कॉस्टली अफेयर हो जाता है, ठीक है। पहला चीज आप क्या कर सकते हो, अगर आपका 11th एंड 12th का CBSE या NCERT का कंसेप्ट बहुत क्लियर है, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स है जहाँ आपको ऑनलाइन फ्री नीट के क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। आप वो क्वेश्चन पेपर्स टाइम करके मैनेज करके देखो आपको स्कोर कैसा आ रहा है। अगर आपका स्कोर अच्छा आ रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ एक साल अगर ड्रॉप करके ये प्रैक्टिस करके मैं ये नीट निकाल लूंगा, तो आप बेशक गैप ईयर लो। पर अगर आपका स्कोर 100, 150, 250 से ऊपर नहीं बढ़ रहा, तो ये एक इंडिकेटर है कि आपको प्लान बी जरूर देखना है, ठीक है। नीट सिर्फ PCB नहीं है बच्चे, ये आपको ध्यान रखना है। नीट वही क्लियर करता है जिसका फिजिक्स और केमिस्ट्री स्ट्रांग हो, क्योंकि सारे बायोलॉजी लवर्स नीट करते ही करते हैं, मतलब बायोलॉजी सबका स्ट्रांग पॉइंट है। अगर आपको नीट क्लियर करना है और मेडिकल में सीट चाहिए, तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री स्ट्रांग करनी पड़ेगी। अगर आपका ये दोनों सब्जेक्ट स्ट्रांग है, बेशक गैप ईयर लो। अगर नहीं है तो एक प्लान बी आपके पास होना चाहिए। प्लान बी में मेडिकल के रिलेटेड अगर आपको सेवा पसंद है या रिसर्च पसंद है, लोगों के लिए काम करना पसंद है, तो एलाइड मेडिकल फील्ड्स के ऑप्शंस आपके लिए खुला है, रिसर्च के ऑप्शंस आपके लिए खुला है, क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई भी पूरा देखो तो 10 साल लग जाता है, रिसर्च भी करीब करीब 10 साल लग जाएगा, और अल्टीमेटली रिसर्च के बाद भी आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा PhD के बाद, और मेडिकल स्टडीज के बाद भी लग जाएगा। तो वो अगर आपके पास इतना टाइम है तो आप रिसर्च लाइन में जा सकते हो, अदरवाइज गो फॉर क्विक एरियाज। अगर आपको जल्दी से जॉब चाहिए तो जैसे नर्सिंग हो गया, रेडियो टेक्नोलॉजीज हो गया, पैरामेडिकल लाइन्स में है, वो आप कर सकते हो। एग्रीकल्चर में शिफ्ट कर जाओ अगर आपको चाहिए, या नहीं तो न्यूट्रिशन में शिफ्ट कर जाओ। न्यूट्रिशन अगेन वेरी वेरी गुड स्कोप, BSc MSc न्यूट्रिशन आप कर लो, एंड देन यू कैन वर्क इन द हॉस्पिटल एज अ डाइटिशियन, ठीक है। आई थिंक राधिका आई आंसर्ड दैट क्वेश्चन, राइट? थैंक यू। सो गैप ईयर सोच समझ के लेना बेटा, बिकॉज वो 365 डेज वापस आपके जिंदगी में नहीं आने वाली, ठीक है। तो अगर आपको गैप ईयर लेना है, पहले अपने आप को देख लो कि आप गैप ईयर लेने के लिए सही डिसीजन है या नहीं। अगर है, वेल गो अहेड विद इट, पर ध्यान रखना 600 से नीचे स्कोर ना जा पाए, और अगर नहीं आ रहा है इतना स्कोर, तो गैप ईयर मत लो, प्लान बी तैयारी करो।